पूरे देश में शुक्रवार को कारगिल शौर्य दिवस की याद में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गोरखपुर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में एनसीसी कैडेट्स द्वारा 20 छात्रों ने अपना स्वैच्छिक रक्तदान किया। आपको बता दें कि रक्तदान कार्यक्रम में करीब 2 दर्जन एनसीसी कैडेट्स ने अपना रक्तदान किया है। इस दौरान संजय कुमार, गीता यादव सहित ब्लड बैंक में कार्यरत सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मेजर सुबोध कुमार और रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय गोरखपुर के रक्त कोष में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर का जो मुख्य रूप से अतिथि हैं मेजर सुबोध कुमार जी हैं। अब तक लगभग 10 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जितना हुआ है। उम्मीद है कि 15 से 20 ब्लड का कलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। मैं मेजर सुबोध कुमार 46 यूपी बटालियन गोरखपुर में DAVPG कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और 46 यूपी बटालियन में मैं मेजर पद पर कार्यरत हूँ। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो है ये हर साल हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं NCC के कैडेट्स, और ये स्वैच्छिक रूप से जो वॉलंटियर कैडेट्स जो चाहते हैं ब्लड देना और जो मोटिवेटेड हैं सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए, इसमें दोनों आज का दिन इसलिए चुना गया है कि आज कारगिल जो है शहादत दिवस कही या विजय दिवस, उसमें जितने भी सैनिक जो है अपने उसमें जान दिए हैं इस विजय हासिल करने के लिए, उससे प्रेरित होकर बच्चे जो है कुछ देश हित में और समाज हित में ब्लड डोनेट करते हैं। ये हर साल का जो है वार्षिक कार्यक्रम है और इसमें आज जो है करीब 20 बच्चे जो है उन्होंने अपना नाम वॉलंटियर रूप से दिया है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे। अभी ब्लड डोनेट और रजिस्ट्रेशन जारी है, लगभग जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और लोग जो है अभी आ रहे हैं।